हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद भूपेंजय। टेक आउट योर SR6 यूनिट 2 यूनिनरी सिस्टम। टॉपिक है हमारा आज, मतलब अब का। मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली है, उसके बाद ही ये वीडियो डाल रहा हूँ। पार्ट ऑफ द यूनिनरी सिस्टम फर्स्ट, हम अब यूनिनरी सिस्टम बिल्कुल सीखेंगे भाई। ओके, पार्ट ऑफ द यूनिनरी सिस्टम फर्स्ट, किडनी आर पेयर्स ऑफ बींग शेप ऑर्गन, दे आर स्प्रिंग ब्रांचेस इन कलर ब्राउन कलर इन कलर। किडनी आर लोकेटेड ओवर लेफ्ट साइड ऑफ द वेरिएबल कॉलम जस्ट बिलो द रिब केज। हमारी किडनी जो है वो एक बीन लाइक स्ट्रक्चर है और वो रिब केज के बाजू में ही रहती है। ओके, मतलब नीचे और थोड़ा बाजू। ओके, ओके, अब नेक्स्ट सेकंड, यूरेथ्रा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेथ्रा एक ऐसा है जो, मतलब ये देखिए, एक पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो किडनी से यूरेथ्रा तक, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर तक, मतलब यूरेटर से वो, ओके, वो यूरिनरी ब्लैडर तक आते हैं। ओके, द यूरिनरी ब्लैडर इज अ लार्ज एक्सेलेंट मसल बैग लाइक ऑर्गन जस्ट अंडर द नेसल ऑफ ब्लूली बटन। ओके, वो एक ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर है जो, और एक ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, फोर्थ, द यूरेथ्रा इज कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट्स ओपन ऑन द अदर साइड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग विथ हेल्प अस पासिंग आउट यूनी। ओके, दिस ओपनिंग इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, ये मतलब कनेक्ट है यूरिनरी ब्लैडर से और एक स्मॉल ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग होके उधर से यूनी बाहर जाती है और ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग फॉर यूरिनरी सिस्टम। ओके, द यूरिनरी सिस्टम यूज द अ बेल फोर ऑर्गन टू रिम्यूव वेस्ट किडनी ब्लड्स विद योर द अदर वेस्ट प्रोडक्ट एंटर द किडनी। किडनी रिम्यूव्स यूरिन दैट किधर है हम देख। ओके, हाँ, देयर वेस्ट। ओके, तो अब यूरेटर्स का टॉपिक है मसल्स इन द, ओके, मसल्स, रुके यार, हाँ, मसल्स इन द यूरेटर्स वॉल्स इंक्रीज टाइटन द रिलैक्स टू force the urine always for the kidney to the bladder. Small amount of urine are pumped into the bladder of a for the ureters about every 10 to 15 seconds. यूरिनरी ब्लैडर का टॉपिक। ओके, आपको इस वीडियो का भी होमवर्क देता हूँ मैं, इस वीडियो का भी होमवर्क वो है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा रीड करना है और उसके वर्ड्स, मतलब उसके वर्ड्स दो ना यार, मतलब उसको हार्ड वर्ड्स करो जो नहीं आते आपको वो, बट आपको भी रीडिंग आनी चाहिए, मैं इसलिए दे रहा हूँ ये सब होमवर्क, नहीं तो मुझे, मतलब मैं तो होमवर्क भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको रीडिंग आनी चाहिए,
आप सोच रहे होगे यार कितना होमवर्क देता है ये बंदा, बट रीडिंग के लिए बोल रहा हूँ आपको सिर्फ। ओके, इम्पोर्टेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, इन द यूरिनरी सिस्टम इन नॉट वर्किंग वेल, वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिक्स विल बी स्टोरेड इन द ब्लड एंड कॉज लीक्स इन द बॉडी। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड नॉट वेटिंग टू लॉन्ग वेल यू फील टू यंगर टू पास यूरिन। ओके, आपको अगर यूरिन लगेगी तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकना, वो बैड हो सकता है आपके लिए। ओके हाँ, और फिर आपको भी बहुत सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि आपको कुछ हो नहीं सके। ओके, तो अब आप जल्दी से आपकी मतलब पार्ट मतलब इसका दूसरा टॉपिक निकाल लीजिए। वो जो टॉपिक है वो है डिसीजेस पर, वो भी 7th टॉपिक है डिसीजेस पर, मतलब डिसीजेस SR7 पर है वो। ओके, SR7 पर है वो डिसीजेस। ओके, ये सिर्फ हम आधा टॉपिक करेंगे, फिर बाकी का बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो डालोगा ना उसमें कर लेंगे बाकी का। स्मॉन्ट, एक काम कीजिए, आप ये ऊपर का टॉपिक रीड कर लीजिए और बाद में आपके नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। रुको, मैं आपको भी बताता हूँ कौन सा डायग्राम ड्रॉ कराना है आपको। स्क्रीन, ये जो डायग्राम है ना जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये पूरा क्या पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। हाँ, तो आज के लिए मैं इतना नहीं करूँगा क्योंकि ये नीचे का टॉपिक हम बाद में करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्द से जाके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का ऑल सेलेक्ट कीजिए क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आपकी स्टडी कैसे कर पाओगे ना। तो बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, तब मिलेंगे। बाय बाय।